हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पालक पनीर की स्पेशल रेसिपी बताने जा रही हूँ, तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले पैन में हम 2 गिलास पानी डालेंगे। 2 गिलास पानी डालने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून चीनी यानी शुगर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें पालक जो हमने धो के साफ़ करके रखी है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पानी के अंदर ऐसे ऐसे करके दबा देंगे। और इसके बाद हम इसे लिड से कवर करके 3 से 4 मिनट तक के लिए बॉयल आने तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, बॉयल अच्छे से आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पालक को अच्छे से कड़छी से पलट देंगे और 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और पालक को पानी से अलग करके निकाल देंगे और ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडे हो जाएगी तो हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीसकर इसका एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट या प्यूरी आप जो भी कहें वो हम बना लेंगे। इस पानी को हम हटा देंगे, पैन में जो पानी है उसे हम हटा देंगे और इसी पैन को दोबारा हम गैस स्टोव पर चढ़ा लेंगे और इसमें 1.5 चम्मच के लगभग हम क्लैरिफाइड बटर यानी घी ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम शाहजीरा 1/2 टीस्पून और 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें कुछ काली मिर्च, 2 हरी इलायची और 1/2 इंच सिनेमन यानी दालचीनी और थोड़ी सी जावित्री और चक्रफूल का 1 टुकड़ा ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसे 1 मिनट तक तेल के साथ यानी घी के साथ ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 4 से 5 कलियां लहसुन की ऐड करेंगे, 1 हरी मिर्च काटी हुई ऐड करेंगे, 2 तेज पत्ते ऐड करेंगे और 2 प्याज रफली चॉप्ड हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसके बाद 1 मिनट तक प्याज के साथ इसे अच्छे से सॉटे करते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टमाटर जो है रफली चॉप्ड करके इसमें ऐड कर देंगे, 1 मिनट तक इसे चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि जो ये सारी सामग्री है, जो ये सारे मसाले वो अच्छे से पक जाए, टमाटर सॉगी हो जाए। 2 मिनट तक हमने इसे लीड से कवर करके पकाया है, फिर हम इसे चला देंगे। फिर 1 मिनट और लीड से कवर करके हम 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे पकाएंगे। हमारे मसाले बिल्कुल सॉगी हो गए हैं। अब हमने गैस के स्टोव को बंद कर दिया है और 2 तेज पत्ते हमने निकाल कर हटा के रख दिए हैं और ये मसाले हम ठंडे होने के बाद ग्राइंडर में पीसेंगे। पहले जो पालक हमने रखा उसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, इसका हमने पालक का फाइन पेस्ट बना लिया। इसे हम एक बोल में अब ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें थोड़ी सी जार में थोड़ी सी पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके फिर से पानी को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब ग्राइंडर में हमने जो मसाले भून के रखे हैं उसे ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से इसका भी एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम पैन में थोड़ी सी घी डालेंगे यानी 1.5 से 2 चम्मच घी डालेंगे। 2 तेज पत्ते हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया का और धनिया पाउडर का और 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक अच्छे से इसे तेल में पका लेंगे। इसके बाद ही इसी समय हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के तुरंत बाद जो हमने मसालों की प्यूरी बनाई है यानी पेस्ट बनाया उसे ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गई है, मसालों में हमारे अच्छे से उबाल आ चुके हैं, मसाले हमारे अच्छे से पक रहे हैं। इसके बाद एक बार हम फिर लीड हटाकर इसे चेक करके फिर से इसे लीड से ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। इस स्टेज पर हम इसमें 1/4 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे जिससे कि हमारा फ्लेवर काफ़ी इन्हांस होगा। इसके बाद हमने जो पालक की प्यूरी बनाई है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी स्टेज पर हम इसमें
अपने पनीर ऐड करेंगे। पनीर आप चाहें तो सेलो फ्राई करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नॉर्मल पनीर ही इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैंने दो पनीर के क्यूब्स हटा के रखे थे, जिसमें से एक क्यूब मैं अभी ग्रेट करके इसमें डाल दूँगी, बाकी के बचे जो एक क्यूब हैं वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें दो बड़ा टेबल स्पून फ्रेश क्रीम यानी मलाई ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने के बाद कलर कितना अच्छा आ रहा है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे लीड से कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको अगली कौन सी रेसिपी देखनी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम वो रेसिपी आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और अब 3 से 4 मिनट हो चुके थे, हमने लीड हटाकर फिर से पनीर को चेक कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ी और ग्रेवी हम अपनी गाढ़ी करनी चाहते हैं, इसके लिए मैं 1 मिनट के लिए और पनीर को, पालक पनीर को ढक कर पकाऊँगी। और इसके बाद ये देखिए हमारा पालक पनीर बन के रेडी है, इसे हम एक अच्छे से बोल में सर्व करेंगे। मैंने इसे एक वाइट कलर के बोल में निकाला और इसके बाद जो मैंने बचा हुआ एक पनीर का क्यूब रखा था उसे हम अच्छे से ग्रेट करके पनीर के ऊपर गार्निश कर देंगे, और थोड़ी सी मलाई से भी हम इसे गोल गोल करके गार्निश कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पालक पनीर बिल्कुल मखनी ग्रेवी के साथ, बिल्कुल मखनी पालक पनीर हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए इसका टेक्सचर, ग्रेवी का आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। और इसे हम गरम गरम पराठे के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।